वेलकम बैक टू माय चैनल द नेटवर्कर्स स्टोर पॉइंट नेशन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरा नाम कुमार अतुल यदुवंशी है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि संडे के दिन को स्पेशल वीडियो आने वाली है मेरी और 10:30 बजे तक आ जाती है, तो आप सभी को इस स्पेशल वीडियो में मैं, जैसा कि जो मुझे फॉलो करते हैं यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, उन लोगों को सभी को पता होगा कि कौन सी स्पेशल वीडियो आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि मैं लेकर के आने वाला था 2016 में जो गाइडलाइंस लॉन्च हुई थी गवर्नमेंट के द्वारा, और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जितने भी लोग वर्क करते हैं इसके लिए गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइन को लॉन्च किया था कि कैसे हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री अगर रन करते हैं तो उसके लिए हमें कौन कौन से बातों का ध्यान रखना चाहिए, या फिर क्या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना ज़रूरी है किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, या फिर टाई अप से भी काम चल सकता है, या फिर अगर हम कोई MLM कंपनी स्टार्ट करते हैं तो अगर हम कोई बाइनरी प्लान लेकर के चलते हैं तो क्या वो इलीगल होता है, या फिर कोई जनरेशन ही सही होती है, या फिर यूनिलेवल ही सही होता है, या फिर जो बाइनरी प्लान होता है वो मनी सर्कुलेशन का काम करती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अभी आप लोग मुझे लाइव देख रहे हैं लेकिन आपको आगे आने वाली वीडियोस में, मतलब कि इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपको मेरी आवाज़ आपको सुनाई देगी क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बने रहिएगा इस वीडियो में। जितने भी लोग नए आए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें गाइडलाइंस के मुताबिक करना ज़रूरी है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से हम लोग वीडियो को आके समझेंगे जो 13 पेज की गाइडलाइंस है उसके बारे में। जैसा कि आप लोगों को सामने स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे आपको स्क्रीन दिख रही है और इस पे मेरे चैनल का लोगो लगा हुआ है और ये एक प्रेजेंटेशन मैंने तैयार करी हुई है। अगर आपको ये PPT अच्छी लगे तो फीडबैक दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर जैसा भी आपका फीडबैक है आप कमेंट बॉक्स में दे करके आप मेरा उत्साह बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं कि इस पूरे PPT में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं स्लाइड पे। तो जैसा कि आपको मैं बताया था कि डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस के ऊपर हम लोग फाइनल जो गाइडलाइंस निकली हुई थी 2016 में, हम लोग उसके ऊपर इस वीडियो में, इस संडे की स्पेशल वीडियो में जो कि 10:30 बजे लॉन्च होने वाला था और मैं लेकर के आने वाला था, जैसा कि आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में गाइडलाइंस को निकाला था। तो ये गाइडलाइंस निकालने की ज़रूरत इसलिए पड़ गई थी क्योंकि कुछ कंपनियाँ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के नाम पर उस हर एक इंसान को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही थी बाई मनी सर्कुलेट करके। वो प्रोडक्ट तो दिखाने के लिए बस सेल कर रही थी लेकिन वो प्रोडक्ट में एक्चुअल में वैल्यू फॉर मनी, इंसान को उस प्रोडक्ट का वैल्यू फॉर मनी नहीं मिल पा रहा था, जिसके वजह से आज के टाइम पे गाइडलाइंस को निकालना पड़ गया था 2016 में गवर्नमेंट को। तो इसी गाइडलाइन के ऊपर मैं इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करूंगा और आगे हम लोग जानेंगे कि ये 13 पेज में गाइडलाइंस क्या कहती है कि हम अगर मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री में वर्क करते हैं या फिर अगर हम किसी कंपनी की स्टार्टअप करते हैं तो क्या हमें किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की ज़रूरत है, या फिर हमें जो बाइनरी प्लान होता है, अक्सर मैक्सिमम लोगों का ये मिथ्या होती है जो जनरेशन में काम करते हैं कि बाइनरी प्लान जो होता है, जो दो जोड़ो दो लेग वाला सिस्टम होता है, वो मनी सर्कुलेट करती है। तो हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या सही में वो मनी सर्कुलेशन होता है या फिर ये मिथ्या है, या फिर फोकस ये किया गया है कि गुड्स और सर्विसेज आपका होना चाहिए, आप बिजनेस किसी भी प्लान में कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के विषय में हम लोग देखेंगे और जैसा कि हर एक इंसान किसी न किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में वर्क करता ही करता है और मेरे ख्याल से आप लोग भी वर्क करते होंगे, तो आप लोग जहां भी वर्क करते होंगे क्या इस गाइडलाइन के ऊपर आपकी कंपनी का प्लान या फिर आपकी कंपनी का सिस्टम या फिर प्रोडक्ट या फिर जो भी आप करते हैं
क्या इस गाइडलाइन के ऊपर खड़ा उतरता है? अगर आपके कंपनी की सारी चीज़ें इस गाइडलाइन के ऊपर खड़ी उतरती हैं तो आप बेशक वहाँ पे 5 से 10 साल जैसा कि बताया जाता है MLM इंडस्ट्री में आप देख करके आप वर्क कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रीफर करता हूँ 3 से 4 साल। उससे ज़्यादा आप की इच्छा हो तो आप दे सकते हैं, अगर नहीं इच्छा हो तो आपकी कोई बात नहीं। क्योंकि स्टार्टिंग में तो बहुत सारे कंपनीज़ में ऐसा भी होता है कि लोग आपको स्टार्टिंग में सपना दिखाते हैं। फ्रेशर लेवल पे जब एक इंसान होता है तो बहुत सारे लोग ऐसे ओवर कमिटमेंट बोलते हुए नज़र आते हैं कि आप 3 साल के अंदर में आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे जुड़िए, प्रोडक्ट खरीदिए, यूज़ कीजिए और आने वाले 3 साल के अंदर में आप अगर काम करेंगे तो आप करोड़पति बन जाएंगे, जैसा कि वो बने होते हैं जो भी आपको सामने जो व्यक्ति बैठा होता है और मोटिवेट कर रहा होता है या फिर आपको बता रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें मिथ्या हैं। कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कीजिए, चाहे मल्टी लेवल मार्केटिंग हो या फिर आपका ट्रेडिशनल मार्केटिंग का बिजनेस हो, हमेशा 10 से 15 साल कम से कम टाइम लग ही जाता है। आप किसी भी सेक्टर में ले लीजिए, अगर 3 से 4 साल का कोई प्रमोशन करके आपको जबरदस्ती या फोर्स करके आपको ज्वाइन करा रहा है तो आप ये समझ सकते हैं कि आप कहीं गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं या फिर गलत कंपनी के संग जुड़ने जा रहे हैं या फिर गलत लीडर के साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और जानते हैं कि गाइडलाइंस क्या कहती है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर देख नज़र आ रहा होगा कि ये डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2016 का है। मैं स्टेप बाय स्टेप मैं कुछ चीज़ें मैं जो इंग्लिश में लिखी हुई है मैं उसको पहले पढ़ूंगा और आप लोगों को एक्सप्लेन करके या फिर ट्रांसलेट करके मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगा। हो सकता है ये वीडियो लंबी हो तो आप पूरे लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और अगर बोला जाता है कि आधा अधूरा नॉलेज शैतानी दिमाग होता है, तो आपको ये वीडियो बहुत मदद करेगी। लास्ट तक अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा एजुकेशनल चीज़ इस पर कंटेंट मिलेगा और कोई हवा वाली बात नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एडवाइजरी टू स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरीज मॉडल फ्रेमवर्क फॉर गाइडलाइंस ऑन डायरेक्ट सेलिंग, मतलब कि ये स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरीज जितने भी हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से एडवाइजरी दिया गया था कि ये जितने भी मॉडल फ्रेमवर्क हैं गाइडलाइंस के डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, ये सारी गाइडलाइंस के जो एडवाइजरी था, सलाह दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को कि आप ये सारी चीज़ें फॉलो कीजिए। कौन सी सारी चीज़ देखते हैं। These guidelines may be called the Direct Selling Guidelines 2016. These are issued as guiding principle for state government to consider regulating the business of direct selling and multi-level marketing and strengthen the existing regulatory mechanism on the direct selling and MLM for preventing fraud and protecting the लेजिटिमेट राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। मतलब ये कि ये गाइडलाइन जो थी वो लागू की गई थी इसलिए कि जितने भी कस्टमर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, जो जेन्यून डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज होती हैं, जो जेन्यून प्लेटफॉर्म पे या फिर जेन्यून तरीके से काम करती हैं, जो मनी सर्कुलेशन नहीं करती हैं, उनके जो कस्टमर हैं और जो आज के टाइम में कस्टमर हैं, जो जैसे हम लोग हो गए या फिर जितने भी लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स वर्क करते हैं MLM इंडस्ट्री में, उन लोगों का करियर ख़राब ना हो या फिर उनको कोई परेशानी ना आए, इस चीज़ के रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस डायरेक्ट सेलिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं या फिर आप गाइडलाइंस कह सकते हैं लॉन्च किया था। और ये इसमें साफ लिखा हुआ है डायरेक्ट सेलिंग एंड मल्टी लेवल मार्केटिंग, और इसको मजबूती देने के लिए स्ट्रेंथन मतलब कि मजबूती या फिर आप पावर समझ सकते हैं एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑन डायरेक्ट सेलिंग MLM पे, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए जो फ्रॉड्स वगैरह होते थे, जो MLM के नाम पे लोग चीट फंड में काम मतलब चीट फंड कंपनियां निकल जाती थी और वो लोगों का बेवकूफ़ बना करके और
आई और गई वाला हिसाब होता था, तो उस चीज़ को हटाने के लिए और जेन्यून मल्टी लेवल मार्केटिंग और फेक मल्टी लेवल या फिर मनी सर्कुलेशन मार्केटिंग को डिफरेंस देने के लिए कि हम कैसे इस चीज़ को डिफरेंस पहचाने, इस चीज़ के लिए ये लागू किया गया था कानून गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इन दिस गाइडलाइंस अनलेस एंड अदरवाइज रिक्वायर्ड एक्ट मीन्स द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। मतलब ये कि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा ये गाइडलाइंस आई थी। कंज्यूमर शॉल हैव द सेम मीनिंग एज प्रोवाइडेड अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। जो कंज्यूमर था उसको पूरी तरीके से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले, इसके साथ साथ कोई उसके साथ धोखा ना हो, इस चीज़ के लिए ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस गाइडलाइंस को लेकर के आए थे, और जिसके वजह से काफ़ी हेल्प मिला लोगों को MLM इंडस्ट्री के बारे में डिटेल में समझने के लिए। और जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं आज के टाइम पे जो एक अच्छे लेवल पे हैं और एक अच्छी कंपनी में वर्क करते हैं, उन लोगों ने काफ़ी कुछ इस चीज़ के बारे में बताया, और इस तब जा कर के ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई। आप लोगों को पता होगा कि एक RCM नाम की कंपनी है जो कि लोगों ने उसके बारे में एक बार स्टार्टिंग में बोला था कि जब एक साल के लिए ये बंद हुई थी या फिर एक साल के लिए उसके सारे लीडर्स स्ट्राइक पे थे, जो कि गलत तरीके से फंसा दिया गया था RCM को कि मतलब ये मनी सर्कुलेट करती है किसी पॉलिटिकल लीडर के माध्यम से। तो उस टाइम सारे लीडर्स क्या किए RCM के, वो स्ट्राइक पे चले गए और जंतर मंतर पे पूरा धरना प्रदर्शन किया कि भाई ये कंपनी अच्छी है और ये मनी सर्कुलेट नहीं करती है। फिर जब कोर्ट कर सारे चीज़ें देखी गई बारीकी से, तब जा कर के पता चला कि नहीं, ये कंपनी सही है। तो उस टाइम पे RCM ने ही डिमांड की थी कि एक पर्टिकुलर एक डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस आनी चाहिए। अब मैं इस कंपनी का मैं नाम ले रहा हूँ तो हो सकता है कि कई सारे लोग ये समझ रहे हो कि मैं कहीं RCM में तो नहीं जुड़ा हूँ, तो ऐसी बात नहीं है। मैं आप लोगों को अवेयरनेस देने का काम कर रहा हूँ, तो जो चीज़ें फैक्ट वाली बात है वो चीज़ें बतानी भी ज़रूरी होती है। तो मैं कोई वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया हूँ, लेकिन हाँ आप मैं अभी NSP नेशन के ही माध्यम से आप लोगों को सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तो इसका सारी फैक्ट्स वाली बात आप लोगों को शेयर करनी ज़रूरी है। तो उस कंपनी के माध्यम से पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को वो प्रमोट कर रही थी, ना कि पर्टिकुलर अपनी कंपनी को। तो इसका मतलब ये था कि वो चाहती थी कि एक गाइडलाइन आए, तो ये गाइडलाइंस उसी के बदौलत आई और 2016 में ये गाइडलाइन भी लॉन्च हुई। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगर इसमें पहला क्लॉज की अगर हम बात करते हैं, तो प्रोस्पेक्ट मींस द पर्सन टू हुम एन ऑफर और प्रपोजल इज मेड बाय द डायरेक्ट सेलिंग टू ज्वाइन अ डायरेक्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी। मतलब कि वो प्रोस्पेक्ट जो ऑफर करता है या फिर प्रपोजल देता है ज्वाइन करने के लिए किसी डायरेक्ट सेलर को, उसकी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को, मतलब कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन करा सकता है, या फिर वो उस कंपनी के जो अगर जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग पे अगर वर्क करती है तो वो काम कर सकता है। डायरेक्ट सेलर मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड और ऑथराइज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय अ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी। मतलब कि डायरेक्ट सेलर का मतलब ये होता है कि वो पर्सन जो कि किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के माध्यम से अपॉइंट किया गया या फिर ज्वाइन कराया गया है, या फिर उस कंपनी में उस डायरेक्ट सेलर या फिर कोई कस्टमर ज्वाइन किया है एज अ डायरेक्ट सेलर, तो ये कहा जा रहा है यहाँ पे। थ्रू अ लीगल इन्फोर्सेबल रिटन कॉन्ट्रैक्ट टू अंडरटेक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ऑन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस। मतलब कि एक जो कॉन्ट्रैक्ट होता है लीगल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, दोनों लोगों की सहमति के माध्यम से, अगर सामने वाला बंदा ज्वाइन करना चाहता है तो उसके सहमति के माध्यम से और पूरी
लीगल प्रोसेसिंग होती है, केवाईसी वगैरह होता है, आधार कार्ड लिंक किया जाता है, सारी चीज़ें मतलब पूरा फुल जो लीगल प्रोसेस होता है वो सारी चीज़ें होने के बाद इस कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कोई भी डायरेक्ट सेलर ज्वाइन करता है एज अ डिस्ट्रीब्यूटर। नेटवर्क और नेटवर्क ऑफ डायरेक्ट सेलिंग मीन्स अ नेटवर्क ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हु मे रिक्रूट और इंट्रोड्यूस और स्पॉन्सर फर्दर लेवल्स ऑफ डायरेक्ट सेलर हु दे देन सपोर्ट। मतलब कि इसमें ये कहा जा रहा है कि जो नेटवर्क ऑफ डायरेक्ट सेलर होता है, कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ज्वाइन करता है तो उसने अपने द्वारा बनाया हुआ जितने भी नेटवर्क होते हैं उस नेटवर्क को ये राइट होता है कि वो डायरेक्ट सेलर्स आगे बनाए। या फिर फॉर एग्जांपल कि अगर कोई एक व्यक्ति ज्वाइन किया और उसने 10 की टीम बना दी तो 10 की टीम जो है वो जो उस डायरेक्ट सेलर का नेटवर्क है उस नेटवर्क के माध्यम से आप अलग अलग लेवल पे आप चाहे तो आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं या फिर स्पॉन्सर किसी को स्पॉन्सर के माध्यम से ज्वाइन करा सकते हैं या स्पॉन्सर कर सकते हैं किसी अदर डायरेक्ट सेलर जो बनना चाहता है उसको या फिर किसी कस्टमर को जो भी फ्रेशर व्यक्ति है। तो ये कहा जा रहा है। एक्सप्लेनेशन के माध्यम से हम देख लेते हैं कि क्या है। नेटवर्क ऑफ डायरेक्ट सेलिंग स्मॉल मीन एनी सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग अडॉप्टेड बाय द डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी टू अंडरटेक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एंड शॉल इंक्लूड द मल्टी लेवल मार्केटिंग मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ। नेटवर्क ऑफ डायरेक्ट सेलिंग शॉल मीन सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि नेटवर्क ऑफ डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये होता है कि ये एक सिस्टम है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है। जैसे आप देख सकते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केट में जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के माध्यम से बनती है, सप्लायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को देता है रॉ मटेरियल और वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, वहाँ पे प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर होता है, उसके बाद वो फिनिश्ड गुड्स में तैयार होने के बाद जाता है सुपर स्टॉकिस्ट के पास, वहाँ से फिर जाता है आपका मास्टर स्टॉक के पास, स्टॉकिस्ट के पास, उसके बाद आपका जाता है आपका होलसेलर के पास जाएगा, फिर आपका जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास से आपका रिटेलर के पास जाता है, फिर रिटेलर के पास से आपका जाता है मतलब फाइनली एंड यूज़र मतलब कि कस्टमर तक ये पहुंचता है। तो ये जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है यही चीज़ आप इस डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के माध्यम से ख़त्म कर दिया गया या MLM इंडस्ट्री के माध्यम से ये चीज़ हटा दी गई कि मतलब आप एक कंपनी स्टार्ट की और डायरेक्ट आप कस्टमर तक पहुँचिए, ये बीच का जो मैटर होता है ये ख़त्म कर दिया जाता है क्योंकि कस्टमर तक पहुँचने में प्रोडक्ट महंगे हो जाते हैं और डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के माध्यम से ये उसमें भी मार्केट प्राइस पे मिलेगा लेकिन हो सकता है कि थोड़े कम रेट में आपको मिले अगर जो जेन्युइन MLM पे वर्क करती होगी। तो ये कहा जा रहा है। तो इसके बाद हम जानते हैं कि क्या आगे है। नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग मीन्स मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज एज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ डायरेक्ट सेलिंग अदर देन अंडर अ पिरामिड स्कीम। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। डायरेक्ट सेलिंग मीन्स मार्केटिंग मतलब कि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये होता है कि हम किसी भी प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को जब लॉन्च करते हैं तो उसको डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से हम मार्केटिंग करते हैं या फिर मार्केट में हम उसको प्रमोट करते हैं। और यहाँ पे दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं या तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं या फिर मार्केटिंग उसकी करते हैं एंड सेल ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज ये आप देख सकते हैं। सेल ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज एज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। अगर कोई कंपनी सर्विसेज देना चाह रही है या कोर्सेज भी
सेल करती है, लेकिन वो जेन्युइन तरीके से सेल करती है, जो गाइडलाइंस के को फॉलो करने का साथ वो सेल करती है, विदाउट ओवर प्रॉमिस या फिर ओवर कमिटमेंट नहीं करती है, या फिर मनी सर्कुलेट नहीं करती है, और टोटल फोकस उसका अपने कोर्सेस पे होता है, ना कि मतलब गलत तरीके से चीज़ों को सेल करने पे और एट अ रीजनेबल प्राइस पे, जो कि मतलब अच्छे रेट पे हो, बेस्ट प्राइस जिसको बोल सकते हैं, तो ये आपका काफ़ी अच्छा होगा, ये गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के खिलाफ नहीं जाएगा और आप कर सकते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है तब। और गुड्स और सर्विसेज साफ साफ लिखा है, गुड्स सेल ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज, मतलब कि आप गुड्स भी सेल कर सकते हैं जो फिजिकल प्रोडक्ट होता है, और जो आप सर्विसेज देना चाहते हैं जैसे कोर्सेस हो गया या फिर कोई भी आप सर्विसेज अगर आप दे रहे हैं तो आप सर्विसेज भी आप दे सकते हैं, इसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि आप सर्विसेज नहीं दे सकते, लेकिन मैक्सिमम कंपनीज के जितने भी लीडर्स हैं, कुछ लीडर्स को मैंने ये भी देखा है कि अगर कोई अदर कंपनी वाला सर्विसेज से सेल कर रहा है तो उसको जाकर के निगेटिव सारी बातें बोलते हैं, और उस कंपनी के लीडर जो प्रोडक्ट वाले होते हैं उनको बस यही लगता है कि सिर्फ हमारी ही कंपनी बेस्ट है और बाकी सब घटिया है। तो कुछ कंपनीज होती हैं जो मनी सर्कुलेट करती हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते कि सारी कंपनीज खराब होती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, प्रोवाइडेड दैट सच सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज अकर्स अदरवाइज देन थ्रू अ परमानेंट रिटेल लोकेशन टू द कंज्यूमर जनरली इन देयर हाउसेस और एट देयर वर्क प्लेस और थ्रू एक्सप्लेनेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सच गुड्स एंड सर्विसेस एट द पर्टिकुलर प्लेस। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो ये सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेस, मतलब कि जो भी हमारा गुड्स और सर्विसेस है जो हम सेल करते हैं मार्केट में और कस्टमर को सेल करते हैं, तो वो मतलब एक परमानेंट रिटेल लोकेशन उसकी होनी चाहिए जहाँ से कस्टमर आए और उस चीज़ को परचेस करे और कस्टमर वहाँ तक पहुँच जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जनरली के इन देयर हाउसेस और एट देयर वर्क प्लेस, मतलब कि या तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज जितनी भी होती है या तो वो एक परमानेंट रिटेल लोकेशन, या फिर इसको आप फ्रेंचाइजी के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि फ्रेंचाइजीज ओपन करा देती हैं, या फिर कस्टमर के घर पे ही जा कर के लीडर्स मीटिंग वगैरह ये सारी चीज़ें करते हैं, या फिर डोर टू डोर की सेलिंग ये आप कह सकते हैं अगर प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन देना है उनको। तो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी मीन्स एन एंटिटी नॉट बीइंग एंगेज इन अ पिरामिड स्कीम विच सेल्स और ऑफर्स टू सेल गुड्स और सर्विसेज थ्रू अ डायरेक्ट सेलर प्रोवाइडेड दैट डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी डज नॉट इंक्लूडेड एनी एंटिटी और बिजनेस। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी जो है उसका मत मीन्स एन एंटिटी, ये वो एंटिटी होती है मतलब कि जो कंपनी होती है वो एक पिरामिड स्कीम को नहीं वो कर फॉलो कर सकती है, जो कि सेल कर सकते हैं या फिर ऑफर करते हैं सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज को थ्रू अ डायरेक्ट सेलर। माफ़ कीजिएगा, ये लिखा है कि पिरामिड स्कीम के टाइप का ये जो स्ट्रक्चर होता है बाइनरी सिस्टम में, तो ये इसके माध्यम से जितने भी कंपनीज होती हैं वो डायरेक्ट सेलिंग में कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को पहुंचाती है या फिर सेल करती है। प्रोवाइडेड दैट डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी डज नॉट इंक्लूड एनी एंटिटी और बिजनेस। नेक्स्ट बात करते हैं, नोटिफाइड अदर वाइज बाय द गवर्नमेंट फॉर द सेड पर्पस फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब ये कि जो समय के अनुसार टाइम टू टाइम जो नोटिफिकेशन भेजा जाता है गवर्नमेंट के द्वारा उसको प्रोवाइड करना चाहिए, और यही सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, गुड्स मीन्स गुड्स एज डिफाइंड इन द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 एंड सर्विस।
मतलब ये कि गुड्स जो होता है उसका मतलब ये है कि अगर कोई कोई प्रोडक्ट बना करके सेल कराए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, तो उसको मतलब जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 एक्ट है इसके अकॉर्डिंग उसको अपने सारे प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को बना करके सेल करना चाहिए। जो भी उसमें प्रोडक्ट गुड्स ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट का रूल होगा, तो उसके हिसाब से अगर आप सेल करते हैं अपने सर्विसेज हो या फिर प्रोडक्ट्स हो या फिर गुड्स हो, तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि आप नहीं कर सकते। इसमें 100% आप सेल कर सकते हैं अगर सेल ऑफ गुड्स एक्ट को आप फॉलो करते हैं, आपका प्रोडक्ट उसमें खड़ा उतरता है तो, या सर्विसेज जो भी आपकी है। मेन सर्विस एज डिफाइंड इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो डिफाइन किया गया है सर्विसेज को, उसके अकॉर्डिंग अगर आप सर्विसेज सेल करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें सर्विसेज को सेल करने में, या फिर जो भी आप कोर्सेस वगैरह बनाते हैं या जो सर्विसेज आप देते हैं उसका फॉलो करना जरूरी होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के माध्यम से। सेलेबल शॉल मीन विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड और सर्विसेज अनयूज्ड एंड मार्केटेबल विच हैज नॉट एक्सपायर्ड एंड विच इज नॉट सेशनल डिस्काउंटेड और स्पेशल प्रमोशन गुड्स एंड और सर्विसेज। मतलब ये कि यहाँ पे अगर आप कोई भी सेलेबल आइटम बनाते हैं, गुड्स या सर्विसेज आप सेल करते हैं, तो उसमें डिस्काउंट देना भी जरूरी है, और अगर आप अगर इसमें डिस्काउंट भी दे सकते हैं, और ये मार्केटेबल होना चाहिए, अनयूज प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, वर्थेबल होना चाहिए। ये नहीं कि अगर आप मार्केट में आप प्रोडक्ट या सर्विसेज जो भी आप दे रहे हैं और वो यूजलेस निकल गया और कंज्यूमर उसको कंज्यूमर के मतलब का वो प्रोडक्ट नहीं है, तो फिर हो सकता है दिक्कत आपको आ जाए, जिसके वजह से बहुत सारी कंपनियां डिस्काउंट भी देती हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। लेकिन कुछ कंपनीज अच्छी भी हैं जो कि एक अच्छे तरीके से बिजनेस को रन करती हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इस वीडियो में मैंने आप लोगों को 13 पेज की गाइडलाइंस के बारे में बताया, जो कि आप सभी व्यूवर्स का एक कंफ्यूजन था कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होना ज़रूरी है या फिर बाइनरी जो कंपनीज फॉलो करती हैं प्लांट्स को वो इलीगल होती है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों से इस 13 पेज की गाइडलाइंस के बारे में डिस्कस किया, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा निकली हुई थी 2016 में। तो आप सभी लोगों को आई होप कि आप लोगों को ये बातें क्लियर हो गई होंगी, जितने भी चीज़ें आप लोगों को डाउट थी, और भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में डाल करके अपने एज अ फीडबैक के तौर पे आप दे सकते हैं। और इस चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को आने वाले समय में और भी बेहतर तरीके से मिलते रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल दैट टाइम इट्स अ गुड बाय, थैंक यू।